हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइफ। आज मैं बनाऊंगी घर की बनी हुई पनीर। मैंने जैसे पेटी है ना, उसकी रेसिपी इस बार मैं यूट्यूब में डालूंगी कि घर की पनीर हम कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, वही वाली जो मैंने घर में बनाई है। तो सबसे पहले जो है, मैं यहाँ पर प्याज को हल्का सा यहाँ पर ब्राउन कर लूँगी। प्याज को पहले आप सबसे पहले ब्राउन कीजिए और थोड़े से आप यहाँ पर टमाटर काट लीजिए छोटे छोटे। प्याज देखिए मेरे ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर का हल्का सा पहले आप तेल वगैरह सब निकल लेंगे इसे, जब तक टमाटर का तेल नहीं निकले तब तक हम आगे का काम नहीं करेंगे। और ये पनीर की जो मैं आपको सब्जी जा रही थी, देखिए मैंने घर पे पनीर किया है, ये दूध को मैंने घर पे ही फेंटा है। तो देखिए इस तरह से मेरी पनीर जो है बनी है। पनीर भुर्जी टाइप में बनाऊंगी इस तरह। टमाटर जो है हल्का सा तेल छोड़ चुके हैं, तो उसमें मसाला डाल देते हैं। एक कसूरी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, थोड़ा सा आप गरम मसाला डाल दीजिए। तो इन मसालों को थोड़ा सा पहले आप पकने दीजिए। टमाटर की ग्रेवी देखिए मेरी पूरी बन चुकी है, अब मैं इसमें ये पनीर डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मटर जो है बिल्कुल बन चुकी है, क्योंकि सब्जी ने अपना पेड़ छोड़ दिया है। ये मतलब मेरा दूध जो है फिट गया था, तो मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से मैंने फेंटा है। तो ये मटर जो है इस तरह की सब्जी बन गई है। और आपको ऊपर से इसमें धनिया डाल दीजिए। सब्जी देखिए बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। आप इसे इस तरह से खाइए और सर्व कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्जी कैसे लगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।